2024 में होने वाला है ऐसे संतों का आगमन जो हजारों वर्षों से जीवित है। 2024 के बाद भारत का नक्शा ही बदल जाएगा और जो कि पीएम मोदी के शासनकाल में होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में देश और दुनिया में ज्योतिष के क्षेत्र में जाने माने ज्योतिष आचार्य या भविष्य वक्ता रहे हैं। वर्तमान में बैठकर आने वाले समय के लिए की गई भविष्यवाणी एकदम सटीक और सत्य साबित हुई है। राजनीति से लेकर खेल तक इसकी एक एक बात में सच्चाई का सबूत पेश किया है। किसी राजनेता की मृत्यु, दुनिया में आने वाले संकट और भूकंप पर की गई भविष्यवाणी सही साबित हुई है। इनकी भविष्यवाणी जब सच हुई तब लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो कहती है कि पीएम मोदी के शासनकाल में भारत का नक्शा बदल जाएगा। तो 2024 अब शुरू होने जा रहा है, लेकिन 2024 शुरू होने से पहले भविष्यवाणी का जो सिलसिला है वो आरंभ हो चुका है। देखा जाए तो भविष्यवाणी का अपना एक इतिहास रहा है। दुनिया भर के भविष्य वक्ताओं के अलावा धर्म ग्रंथों में मौजूद भविष्यवाणियों को समय के साथ सत्य होते हुए हर किसी ने देखा है और इसी वजह से आज के समय में भविष्यवाणियां खंगाल कर निकाली जाती है। वर्तमान की घटनाओं को भविष्यवाणी से जोड़ा जाता है और जब भविष्यवाणी हकीकत का रूप ले लेती है तो इन पर यकीन करने का भी मन करता है। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं दुनिया में यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध को दुनिया झेल रही है और ऊपर से इसराइल और हमास के बीच के भीषण जंग ने पूरी दुनिया को एक तरह से विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। गाजा पट्टी में नरसंहार हो रहा है। हवाई पट्टी हमले के बाद अब आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। दो गुटों में बटी दुनिया किसी भी वक्त विश्व युद्ध का ऐलान कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और यह भविष्यवाणी आज से 500 साल पहले फ्रांस के एक भविष्यवक्ता कर चुके हैं। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच आज जो कुछ भी हो रहा है उसका जिक्र न सिर्फ माइकल नास्त्रेदमस की लिखी किताब में मिलता है बल्कि बुल्गारिया के बाबा विंगा और भविष्य मलिक अच्युतानंद दास महाराज जी के द्वारा बोली गई कई बातों को अब देखा और सुना जा रहा है और पढ़ा भी जा रहा है। 2024 में ऐसा क्या होगा जो भारत को हमेशा के लिए बदल के रख देगा? बदलते भारत के आगे क्या दुनिया टिक पाएगी? अलग अलग देश की सत्ता क्या एक हो जाएगी? प्राकृतिक आपदाओं का हमें क्या रौद्र रूप देखने को मिलेगा? ऐसा क्या होने वाला है जिसकी संभावना अभी से जताई जा रही है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर देखिए नास्त्रेदमस और संत अच्युतानंद दास महाराज के नाम पर किस प्रकार की भविष्यवाणी इस पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। आइए हम आपको बताते हैं। नास्त्रेदमस के भविष्यवाणियों के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि 2024 में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आ सकता है। कुछ देशों में विद्रोह और युद्ध हो सकता है। एक भीषण बाढ़ से दुनिया में तबाही मच सकती है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष से भी आक्रमण की संभावना है। साल के आखिर तक एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी के करीब आएगा। दोस्तों, 2024 में भारत की तस्वीर कैसी होगी इसको लेकर नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी ये कहती है कि भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है जो इंसानी जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। हो सकता है कि भविष्य की घटित होने वाली चीजों को पहले इंसान जान ले तो 2024 के आखिर में रहस्यमय लोगों का आगमन हो सकता है। कहा जा रहा है कि हिमालय में तपस्या करने वाले ऐसे संतों का आगमन होने वाला है जो हजारों वर्षों से जीवित है और इसी साल भारत अंतरिक्ष में अपनी एक सत्ता कायम रखने में भी कामयाब होगा। साल 2024 में दुनिया एक बहुत बड़े युग परिवर्तन से गुजरेगी और इस दौर में भारत से एक मुक्तिदाता आएगा जिसकी बात सभी मानेंगे और शायद वही दुनिया का सम्राट होगा। दोस्तों, इसके अलावा नास्त्रेदमस के हवाले से एक भविष्यवाणी का जिक्र हमेशा से ही मिलता है, आपने भी सुना होगा, जिसमें ये कहा जाता है कि महान सितारा 7 दिन तक जलेगा, एक बादल से निकलेंगे 2 सूर्य, एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात। हालांकि ये भविष्यवाणी किस देश के संदर्भ में है इसका पता अब तक कोई भी नहीं लगा पाया है। नास्त्रेदमस के अलावा बाबा विंगा का नाम लेकर इस बात की भविष्यवाणी की जा रही है कि जल्दी ही चीन दुनिया की महाशक्ति बनेगा। 2024 में धरती में आए बदलाव से मौसम प्रभावित होगा जिसके कारण तापमान में बदलाव होगा और जिसके चलते ठंडी जगह गर्म हो जाएगी और गर्म जगह ठंडी हो जाएगी। ग्लेशियर के ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। समुद्र के किनारे पर जो शहर है वह जलमग्न हो जाएगा। दोस्तों, आज के डेट में एक नाम ऐसा है जिसे भारत का नास्त्रेदमस भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं
संत अच्युतानंद दास महाराज की, जो जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की धरती यानी कि उड़ीसा के पुरी में जन्मे संत अच्युतानंद दास महाराज एक ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से भविष्य मालिका की रचना की। ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यवाणी का आज भी पुरी के मंदिर में सुरक्षित है और इसी किताब के द्वारा भारत के संदर्भ में कई भविष्यवाणियां की जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि धरती तीन चरणों से गुजरेगी। सबसे पहले काल का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा और उसके बाद एक नया युग का आरंभ होगा। कहते हैं कि जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। किसान खेती करना छोड़ देगा, जंगली जानवर शहरों और गांवों पर अपना हमला शुरू कर देंगे। आसमान में ऐसे प्रतीत होगा कि दो सूर्य निकले हैं और जगन्नाथ मंदिर के 22वीं सीढ़ी तक पानी जब आ जाएगा उस वक्त भगवान के विग्रह को उनके भक्त छतिया बटा ले जाएंगे। एक और प्राकृतिक आपदा होगी, दूसरी ओर महायुद्ध होंगे और इंसानी नरसंहार ऐसा होगा कि विश्व की जो जनसंख्या है वह 64 करोड़ रह जाएगी। तब 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा। ऐसा सब कुछ संत अच्युतानंद दास महाराज के द्वारा भविष्यवाणी में लिखा गया है। दोस्तों, नास्त्रेदमस बाबा विंगा और संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी की पुष्टि करना देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सारी की सारी बातें सोशल मीडिया से उठाई जाती है। विशेष लोगों ने अपने अपने हिसाब से भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी की व्याख्या की है। इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन दोस्तों इनके सच होने की संभावना से भी इनको इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोरोना जैसी भयंकर आपदा हमने जो देखी है हमने कभी भी नहीं सोचा था जो सब हमारे साथ हुआ। दोस्तों, जिस तरह से दुनिया युद्ध के कगार पर खड़ी है ये भी हमने कभी नहीं सोचा था। जो भविष्यवाणियां में आ रही है इसका मतलब यह है ये सभी चीजें सत्य है। इसके साथ आपको बता दे कि बुल्गारिया के रहने वाले बाबा विंगा दुनिया के मशहूर भविष्य वक्ताओं में से एक 12 साल की उम्र में ही बाबा विंगा की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। बाबा विंगा की अगस्त 1996 में मौत हो गई थी। अपनी मौत से पहले बाबा विंगा ने साल 5069 तक की भविष्यवाणी कर दी है। बाबा विंगा ने साल 2023 के लिए कई भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हो चुकी है। बाबा विंगा ने 2024 को लेकर कई खतरनाक भविष्यवाणियां की। भारत के लिए बाबा विंगा की बेमौसम बरसात वाली भविष्यवाणी सच साबित हुई है। इस समय मार्च और अप्रैल में बहुत बारिश देखने को मिली। इन महीनों में ऐसी बारिश सालों बाद देखने को मिली है। बाबा विंगा की सौर तूफान वाली भविष्यवाणी भी सच साबित हो चुकी है। 2024 के लिए बाबा विंगा की भविष्यवाणियां 2024 के लिए कहती है कि जल्द ही चीन दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। चीन पूरी दुनिया में अपनी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ा लेगा। दोस्तों, अगले साल यानी 2024 में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और भूकंप के चलते धरती का हाल बेहाल होगा। साल 2024 में इस बदलाव से धरती का मौसम पूरी तरह से प्रभावित होगा। इस बात से वैज्ञानिक भी सहमत हो चुके हैं कि एक न एक दिन धरती से जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसे में इंसान दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, इस भविष्यवाणी को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।